मुझे आपसे कुछ कहना है. आप बहुत टैलेंटेड और अमेजिंग हैं. आई अप्रिशिएट द होल डॉक्टर कम्युनिटी फॉर ऑल देयर हार्ड वर्क्स, देयर एफर्ट्स, देयर नाइट ड्यूटीज, देयर अनबियरेबल ट्रेनिंग इयर्स. यू आर अमेजिंग. यू आर रियल लाइफ हीरोज और हीरोइंस हु कीप ऑन सेविंग ह्यूमन लाइफ. आपने सुना तो होगा प्रिवेंशन इज क्योर. तो इन बीमारियों से बचने के लिए प्रिवेंशन शुरू कीजिए. अगर आप जूनियर डॉक्टर हैं तो आपको ब्लड ट्रांसफ्यूज करना पड़ता होगा. ट्रांसफ्यूजन से पहले नो डाउट आप एक्सपायरी डेट मैच करते होंगे, ब्लड ग्रुप मैच करते होंगे, लेकिन पेशेंट और अटेंडेंट को नहीं पता. इससे पहले कि आप ब्लड अटैच करें, एक मिनट के अंदर पेशेंट और अटेंडेंट को काउंसिल कर दें कि मैं आपको अभी खून चढ़ाने लगी हूं. अगर आपको इस दौरान बुखार महसूस हो या जिस्म पर खारिश महसूस होने लगे या दाग धब्बे पड़ने लगे तो फौरन से आपने यहाँ पे मौजूद डॉक्टर को बताना है. दैट्स इट. फाइल पे लिखें और साइन करवा लीजिए. दवाओं की बात करते हैं. दवा लिखता कौन है? बेड डॉक्टर. लगाता कौन है? स्टाफ. और अगर खुदा ना खास्ता कोई रिएक्शन हो जाए तो फंसता कौन है? ड्यूटी डॉक्टर. अगर आप ड्यूटी पर हैं तो ड्यूरिंग योर इवनिंग राउंड्स पेशेंट को या उसके अटेंडेंट को बता दें कि आपकी ट्रीटमेंट शीट में ये दवाएं लिखी हुई हैं, इनके ये पॉसिबल साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं. साइड इफेक्ट्स में थोड़ा नॉजिया वॉमिटिंग से आगे बढ़ जाइएगा. फाइल पे लिखिए, साइन करवाइए एंड यू आर ऑल डन. ओके, रिप्लेसमेंट की बात करते हैं. कभी आपको पोटेशियम रिप्लेस करना पड़ता है, कभी सोडियम, कभी बाइकार्ब, कभी कैल्शियम. इससे पहले आप पोटेशियम क्लोराइड दें, सोडा बाइकार्ब दें, कैल्शियम ग्लूकोनेट दें. अटेंडेंट्स और पेशेंट को बता दें कि मैं ये चीजें रिप्लेस करने वाली हूं और इसके ये साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं. फाइल पे लिखें, साइन करवाएं एंड यू आर डन. ये बहुत छोटे छोटे स्टेप्स हैं. अगर इस पे आप एक या दो मिनट लगा लेते हैं तो आपके आने वाले कई कीमती मिनट बच सकते हैं. तो बस इतना ही कहना था. जो भी करें पेशेंट्स के साथ, उन्हें काउंसिल कर दीजिए, उनसे कंसेंट ले लीजिए, उन्हें तमाम साइड इफेक्ट्स के बारे में बता दीजिए और अपने आप को प्रिवेंट कीजिए. और हाँ, सब्सक्राइब जरूर कीजिए.